Good evening, everybody. Welcome to Textbook Super Coaching UGC Net Channel. I, Dr. Hina Dawar, welcome all of you to the session. I hope the VVP is fine. Please, students, ek baar jaldi se confirm kar dijiye, is the VVP fine? Am I audible, visible, and you can see the PPT as well. So jaldi se confirm kar dijiye. Good evening to everybody and keep joining for the session. Session ko like, share, subscribe karna nahi bolna. So it's very important to like, share and subscribe. Like karke apna attendance mark kijiye, share kijiye session ko apne friends ke saath. Ask your friends also to join for the session and subscribe kar dijiye Textbook Super Coaching UGC Net channel ko, taki aage bhi aapko sare important sessions ke bare mein isi tarah se pata lagta rahe. So, आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वे वी आर गोइंग टू कवर 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द इंटायर एजुकेशन सिलेबस. यानी अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो हमने 90 दिन जेआरएफ इनकी सीरीज जो चालू करी है, इसमें अभी तक हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं. पर्सनैलिटी थ्योरी कवर करी है डिफरेंट एंगल से, सांख्या की थ्योरी फुल कवर कर रही है, नीति आयोग हमने पढ़ा है. इसके अलावा हमने क्या कवर किया, हमने कवर किया था एफ टेस्ट अनोवा, एंड ऑल्सो वी हैव कवर्ड एफ टेस्ट अनोवा. आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चार कवर करे थे लास्ट वीक में. इस वीक में अभी तक हमने गिलफोर्ड की थ्योरी कवर करी, स्टर्नबर्ग की थ्योरी कवर करी, एंड ऑल्सो वी हैव कवर्ड चार्वक फिलोसफी भी आपकी कवर कर दी, जिसको आप लोकायता के नाम से जानते हैं. अब इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें. तो इस सेशन में हम लेके आए आपके 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज. लेकिन अभी आप टेस्ट बुक क्या जो पास है उस पर बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है. यानी अगर आप ये ईयरली पास लेते हैं तो आपको सिर्फ 299 में आपको ये ईयरली पास मिल रहा है, और यही सेम पास आपको 500 रुपये में मिल रहा है विद लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी. करना कुछ नहीं है, हिना डी पास यूज कर लीजिएगा कोड, ताकि आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाए. ठीक है, बाकी अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो अब आपकी लाइव क्लासेस जो है वो पहले से ज्यादा कर दी गई हैं. तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हिना डी कूपन कोड यूज करके 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पाइए, क्योंकि अब आपकी लाइव क्लासेस पहले से ज्यादा हो चुकी है. सो डू ज्वाइन फॉर दी पेड कोर्स, क्योंकि पहले से ज्यादा हो गई अब आपकी पेड लाइव क्लासेस. चलिए, क्लास के टाइमिंग्स जो है वो मंडे टू फ्राइडे है. मंडे टू फ्राइडे आपकी रहती है क्लासेस यूट्यूब पे 6 PM 7:30 PM ऑन दी ऐप. एडुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं हम आपको सारे इंपॉर्टेंट PDFs भी शेयर करते हैं. इट इज इन एडुकेशन बाय डॉक्टर हिना, वही PDF मिलते हैं आपके लिए. मैं आपके जो PDFs है अब उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ. सो मैं अब आपको सारे PDF हिंदी लैंग्वेज में भी शेयर करने वाली हूँ. तो आप तो बिल्कुल भी गलती से भी मिस मत कीजिए टेलीग्राम ज्वाइन करना. चलिए, रेडी फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQs. रेडी, एक बार चल फटाफट से थम्सअप कर दीजिए. सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. सो एवरीबॉडी क्विकली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 MCQs. थम्स अप. चलो, टाइम हम आपको कम देंगे, वी विल गिव यू वेरी लिटिल टाइम, क्योंकि हम अब क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चों को स्पीड इश्यूज बहुत आ रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा सॉल्व. द मोस्ट पावरफुल कंस्ट्रेंट इन अटेनिंग UEE इंडिया इज रिलेटेड टू डैश. यानी प्राथमिक शिक्षा में जो सबसे बड़ी सशक्त बाध्यता है वो किससे संबंधित है. चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी. देखो, सबसे पावरफुल कंस्ट्रेंट पूछा गया है तो पॉलिटिक्स ही सबको इन्फ्लुएंस करता है. तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, जहां आपकी राजनीति खेली जाती है. कौन सा इसमें से एक लॉजिकल पॉजिटिविस्ट नहीं है.
चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यार तो बिल्कुल ही, उनका तो फेमस नाम है, रसल है, बिगी है, लेकिन हेनरी बर्जरसन जो है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे यूज किए जाते हैं नॉर्मल पर्सन के द्वारा? तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि हिना मैम ये वाली बात तो मैं कितनी बार बता चुकी हैं। एम आई राइट एवरीबॉडी? सो क्विकली गिव द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें तो आपको एक सेकंड के लिए भी वेट नहीं करना चाहिए। ईगो के द्वारा यूज किए जाते हैं इन द अनकॉन्शियस मैनर। तो जहां पर भी कॉन्शियसली लिखा है वो तो गलत ऑप्शन है। अब अनकॉन्शियसली आप एम्बैरेसमेंट के लिए नहीं करते हो, अनकॉन्शियसली टू कंट्रोल योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस थॉट्स, यानी फॉर द एडजस्टमेंट प्रोसीजर। तभी तो डिफेंस मैकेनिज्म को एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कहा जाता है। सबसे स्टेबल मेजर बताना है डिस्पर्जन का, यानी स्थिर बताना है मापन। कौन सा प्रक्रियन का सबसे स्थिर मापन है? इजी क्वेश्चन है आपके आगे। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डेविएशन, जिसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और यही अगर वो आपको सेंट्रल टेंडेंसी का पूछ ले तो मीन कुड बी विल बी दी करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड एरर जो है, दिस इज एन इंडेक्स ऑफ डैश। मानक त्रुटि किसका सूचक है आपको ये बताना है। मानक त्रुटि की बात की जा रही है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर का मतलब होता है जब भी सैंपलिंग के समय जो भी आप प्रदर्शन चयन के कारण जो त्रुटि होती है, जो एरर्स होते हैं सैंपलिंग के टाइम, तो एरर्स द एरर्स व्हिच आर बेसिकली ड्यू टू दिस सैंपलिंग सैंपलिंग प्रोसीजर से रिलेटेड। दिस स्ट्रेस यूजुअली अकंपनीज अबनॉर्मल बिहेवियर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीए के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो दीज आर द फेवरेट एरिया ऑफ एनटीए। बिहेवियर डिसऑर्डर्स आर रिफ्लेक्टेड इन द रिपोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस। इवन दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, यू नो दैट इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दीजिए सभी लोग। वेरी गुड स्पीड। देखो, जब भी आपकी लाइफ में कोई भी संकट आएगा तो उस समय आप ऑब्वियसली बहुत परफेक्ट बिहेव तो नहीं करने वाले, ठीक है? सो यस, देयर विल बी अबनॉर्मल सिचुएशंस, लेकिन बिहेवियर डिसऑर्डर्स आर रिफ्लेक्टेड इन द रिपोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस। बिल्कुल सही बात है, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे जो आपकी रिपोर्ट्स बनेंगी उसमें बिहेवियर डिसऑर्डर्स होगा। बट अबनॉर्मल बिहेवियर और रिपोर्ट्स दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्लियर? यहाँ ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रेस की वजह से बिहेवियर डिसऑर्डर हो रहा है और बिहेवियर डिसऑर्डर रिपोर्ट्स में आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अब नॉर्मल बिहेवियर और बिहेवियर डिसऑर्डर्स में से वन ऑफ द टाइप्स में आएगा। सारे बिहेवियर डिसऑर्डर्स नहीं होते अब नॉर्मल, क्लियर? तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट भले ही हैं, बट ये दोनों का आपस में जो रिलेशन बिल्डअप किया गया है दैट इज नॉट परफेक्टली करेक्ट। नेक्स्ट इज एजुकेशन को फंडामेंटल ड्यूटी कहा गया है पेरेंट्स एंड गार्जियन की। ये इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 51A में, कौन से अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया?
बिल्कुल सही आंसर, इट्स द अमेंडमेंट नंबर 86 जहाँ पे आर्टिकल नंबर 51A को इंसर्ट किया गया था। करेक्ट सीक्वेंस बताइए सिस्टम अप्रोच का, तो सही अनुक्रम बताना है आपको व्यवस्था उपागमन का। इवन दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिस्टम एनालिसिस सिस्टम अप्रोच पे, अब तो काफी सारे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। ये तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको हमेशा से बताया सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्लियर? तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट का अगर आप सीक्वेंसिंग करेंगे तो ओपीआई अपने रामबाण को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अब देखो जब भी एनालिसिस आएगा, मैंने आपको कहा था हमेशा फर्स्ट होगा, तो बी और सी तो आउट हो गए, अब या तो ए सही है या फिर डी सही है। तो ओपीआई को यूज करो, एनालिसिस के बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद प्लानिंग, इवैल्यूएशन सबसे एंड में, एंड देन प्लानिंग के बाद चीजों को मैनेज एंड मॉनिटर करना, दैट इज द पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर टू एवरीबॉडी? बी इसलिए गलत होगा क्योंकि प्लानिंग कभी भी सेकेंडरी नहीं हो सकता, प्लानिंग हैज टू बी इन दी प्राइमरी फेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ओपीआई टेक्निक को भी याद रखोगे तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। इन्वेस्टिगेटर ने यूज किए दो मैच्ड ग्रुप्स, कंपेयर किया इफेक्टिवनेस ऑफ टू मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस, तो ये कौन से एम्बिट के अंदर आएगा? ग्रेट, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जहां पे आप दो मैच्ड व्यू ग्रुप्स को ले रहे हो, कंपेयर कर रहे हो इफेक्टिवनेस ऑफ टू मेथड्स। ठीक है, अब आप इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन किसका पार्ट होगा और कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है क्योंकि आप टीचिंग मेथड्स का इन्फ्लुएंस चेक कर रहे हो परफॉर्मेंस पर। सो कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है, आंसर इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कीवर्ड सारे के सारे हैं। श्री अरबिंदो से रिलेटेड उनकी पोजीशन को कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर रही है? चलिए तो इसके करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। और बिंदु जी से रिलेटेड यहाँ सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है हायर लेवल, जिसको आप सुपरमैन का स्टेज भी कहते हैं, आप जिसको बोलते हैं सचिदानंद का फेस, लाइफ टाइम शॉर्ट पर्पस डिवाइन एनिमल नहीं, ये भी पार्शली करेक्ट है, लेकिन हायर लेवल तक इवॉल्व होने इज द करेक्ट वन। इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है? सो दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन जो इक्वालिटी के मीनिंग से रिलेटेड है।
बहुत बढ़िया। तो इक्वालिटी से रिलेटेड जो करेक्ट स्टेटमेंट है आप पिक करके बताओ, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? चलिए, तो इक्वालिटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, जहां पर आप बताए इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, स्टेट सबको बराबर रखता है, ठीक है, और हर एक बच्चे की इकोनॉमिक कंडीशन को नजर नहीं रखा जाता, सबको बराबरी दी जाती है, ठीक है। अब ये पूछ रहे गिविंग आइडेंटिकल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ दी डिफरेंसेस। देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस एजुकेशन देते हैं, हर प्रोवाइड करते हैं एडुकुएट एजुकेशनल फैसिलिटीज, नो चाइल्ड शुड रिमेन एजुकेशनली अनसर्व्ड ओइंग टू देयर पुअर कंडीशंस। गिविंग आइडेंटिकल नहीं होता, आइडेंटिकल होता है सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं दी जाती है, किसी के लिए रिजर्वेशंस भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज करंट प्रॉब्लम्स टीचर एजुकेशन सेक्टर की, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब कर रहा है? चलिए, तो इसको हिंदी में देख लीजिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर सी, लॉन्चिंग ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जहां विदाउट प्रिपरेशन बिल्कुल प्रॉब्लम है, जैसे 4 ईयर्स में बच्चों को आ रही है, इनएडुकेट और नो डायलॉग बिटवीन टीचर एजुकेशन एंड प्रैक्टिसिंग स्कूल, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ टीचर करेक्ट नहीं है, मतलब किसी को भी आप टीचर रख रहे हो विदाउट एक्चुअली टेस्टिंग आउट देयर नॉलेज, ठीक है, इनहांस ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज विदाउट अटेंशन ऑन टाइम इंटेंसिव ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजीज, स्किल डेवलपमेंट पे कम फोकस है, देन इंटर्नशिप प्रोग्राम तो अच्छी बात है एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये भी एक प्रॉब्लम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेवाओं का उद्देश्य क्या है? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम उनके हेल्थ, उनके न्यूट्रिशन स्टेटस पर फोकस करते हैं, हम ये भी कोशिश करते हैं उनका मोर्टालिटी रेट जो है कम किया जाए, ठीक है,
डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की बात या हेल्थ केयर की बात नहीं की गई, बच्चों के हेल्थ की बात करी गई है, हेल्थ केयर सेंटर्स की बात नहीं करी गई है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी गुड, तो ये तो आपको टिप्स पे होगा, ये क्वेश्चन विल बी ऑन योर टिप्स एवरीवन, आई एम डेट श्योर अबाउट इट, ये सबके टिप्स पे होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब आप लोगों को ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हिस्टोरिकल पास्ट की बात करता है, एक्शन रिसर्च क्या कहता है कि मैं लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, सर्वे करंट स्टेटस को बताता है, एंड देन एक्सपेरिमेंट इज योर control and manipulation of the variables. Which of the following statements indicate social development during adolescence? तो अभी आई गेस शायद महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र या फिर नॉर्थ ईस्ट में से किसी सेट के अंदर एडोलेसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जिसमें वो कहा गया था कि इट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब किसी एक सेट में भी रिसेंटली क्वेश्चन आया है। हिंदी में चलिए, तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एडोलेसेंस अपने नियम कायदे कानून खुद बनाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उन्हें सब पता है। ठीक है, मैनिफेस्ट अ कैपेसिटी फॉर बोथ कन्वर्जन एंड डाइवर्जन थिंकिंग, नो, एट अ टाइम दोनों चीजों को नहीं करते हैं, एंड देयर इज एन एक्सपेंशन इन द वोकैबुलरी ऑफ द इंडिविजुअल। ये डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जरूरी नहीं है सबकी वोकैबुलरी एडवांस होगी। हीरो वर्शिप रहता है, बिकॉज वो किसी को भी रोल मॉडल मान के उसको फॉलो करते हैं, वो खुद में भी वही चीज महसूस भी करते हैं, एंड दे आर वेरी मूडी। सो ए डी एंड ई आर दी करेक्ट वन। Who which does not belong to the group of the other three? आपको basically odd one out को pick करना है। वेरी सिंपल, द ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये तीनों ही आपकी बिहेवियरिस्टिक स्कूल की फिलोसफी साइकोलॉजी थ्योरी की बात कर रहा है। स्कूल प्रिंसिपल को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, ऐसे में कौन सी वैल्यूज पर वो फोकस कर रहे हैं।
बिल्कुल, जब वो इतनी ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज करेंगे, कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोऑपरेशन सीखेंगे, वहां पे टीम स्पिरिट, ब्रदरहुड, सो बेसिकली दे विल लर्न हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू यू नो डील विद फेलियर, हाउ टू डील विद द विनिंग सिचुएशन. तो बच्चे सीखेंगे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, दैट इज पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज. अगेन मैच द फॉलोइंग, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थोड़ा सा क्लमजी है हिंदी में, बट कोई नहीं. चलो अमेजिंग, वेल डन, सभी के सही आंसर्स आ रहे हैं. आई नो आपको कोडिंग नहीं दिख रहे थे, बट अपने आप से भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी. हिंदी में कोडिंग्स नहीं दिख रहे थे, आई नो. मैच्यूरेशन क्या होता है? मैच्यूरेशन का मतलब होता है जहां पर आप बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम जोन में ऑपरेट आउट करते हैं. इंस्ट्रूमेंटेशन का मीनिंग होता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कितना इफेक्ट है ड्यू टू अनकंसिस्टेंट, आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है. सिलेक्शन का मतलब होता है वेयर यू आर रैंडमली सिलेक्टिंग दी डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दी ग्रुप. एंड मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी किस चीज से रिलेटेड है? मोर्टैलिटी इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स जो कि बाहर एग्जिट कर जाते हैं ड्यू टू नॉन रैंडम बायसेस. क्लियर? सो आई होप ये टर्म्स क्लियर हो सभी लोगों को, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज एथनोग्राफिक रिसर्च प्रॉब्लम्स बिगिंस विद डैश. तो एथनोग्राफिक रिसर्च प्रॉब्लम्स किससे शुरू होती हैं? वो किससे शुरू होती है? वो शुरू होती है एक रिसर्च क्वेश्चन से, और ऐसी पूर्वभाषित यानी फोर शैडोड प्रॉब्लम्स है जिनको आप पिक कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं सब्जेक्टिव मैनर. सो एथनोग्राफी विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कल्चर और अ ट्रेडिशन. कौन सी स्टेटमेंट परफेक्टली मैच करती है विद द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट की करेक्ट डेफिनेशन से? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही आंसर दे रहे हो सभी लोग. जल्दी से एडजस्टमेंट से रिलेटेड करेक्ट आंसर्स को पिक करो. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. एडजस्टमेंट टू डायमेंशनल प्रोसेस है. एडजस्टमेंट आपको हेल्प करता है टू एडजस्ट विद योर एनवायरनमेंट, एंड इट आल्सो हेल्प्स. देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एडजस्टमेंट तब करना पड़ता है जब आपके दिमाग में हलचल होती है,
हलचल कब होगी? जब भी कोई आप किसी के पक्ष को नहीं समझ पा रहे, परेशान हो, या फिर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद है, ठीक है? तो एडजस्टमेंट गोल ऑफ लाइफ नहीं होता, लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इट्स नॉट द एम ऑफ लाइफ, इट्स द वे ऑफ लिविंग इन द लाइफ, क्लियर? और सेम थिंग नहीं होते एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट इज, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स ऑफ एजुकेशन आर अचीवेबल थ्रू यूईई? चलिए, तो इसका हिंदी वर्जन पे आ जाइए। अमेजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज ली भी जाती हैं, सोसाइटी में बैलेंस लाने की हेल्प करता है, और एजुकेशन क्या करता है, हमारे में वो स्किल्स डेवलप करता है जिससे कि हम खुद भी कॉन्फिडेंट होते हैं, खुद भी अर्न कर सकते हैं, एंड वी ऑल्सो हेल्प इन द नेशन डेवलपमेंट। लेकिन साइंटिफिक टेम्पर, ये साइंटिफिक सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे और सोसाइटी में लिमिट नहीं करता है किसी भी चीज़ को। माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर अनेबल टू फुल्ली पार्टिसिपेट इन इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देर इज एक्सक्लूजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम उनको अलग जात का मानते हैं, जहाँ पे उनको हम सेक्लूड करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे आप उनको सामान्य से भिन्न कर देते हो, तो इसी रीजन से वो नहीं आगे आते। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है नैरेटिव रिसर्च? तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया है, आपकी जो पेड लाइव क्लासेस हैं वो अब पहले से ज्यादा हो गई हैं। सो पेड लाइव क्लासेस का जो नंबर है पहले से ज्यादा हो चुका है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन आवर कोर्स। दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि आने वाले समय में आपको बूस्टर कोर्स भी मिलेगा। तो हिना डी कूपन कोड यूज करके 25% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। दिस इज द राइट एंड द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन द पेड कोर्स। तो आप सबको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, दैट इज वॉट आई वुड सजेस्ट यू, बिकॉज आप ही की रिक्वेस्ट पे द नंबर ऑफ पेड क्लासेस एवरी वीक हैज ऑल्सो इंक्रीज।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो नैरेटिव का मतलब होता है जहां आप अपनी कहानी सुनाओ, ठीक है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया, तो कहानी सुनाना बिल्कुल है। पार्टिसिपेंट्स के साथ मिलकर आप उनकी अपनी चीजों को सामने रखोगे। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेरिएबल्स की बात यही नहीं करी जाती, और डेटा कलेक्शन एक ही समय पे नहीं होता। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ गलत है। मैच द फॉलोइंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, तो अगर आपको इसके कीवर्ड्स याद होंगे ना तो आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। रिवॉर्ड का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नो क्यूज, ठीक है, तो देखो पॉजिटिव विद क्यू एब्सेंट। वही एस्केप का मतलब होता है नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ आप किसी चीज से भाग रहे हो, यू आर एस्केपिंग दैट सिचुएशन, क्लियर। तो यहाँ पे क्यूज तो होंगे नहीं क्योंकि आप कोई कार्य कर ही नहीं रहे हो, सो नेगेटिव विद क्यूज एब्सेंट। वही डिस्क्रिमिनेटेड ऑमिशन होता है पॉजिटिव, तो आप जाइए देखिए पॉजिटिव जहां पे क्यू आपके पास प्रेजेंट होता है जो कि रिवॉर्ड में एब्सेंट होता है। एक्टिव अवॉइडेंस नेगेटिव होता है और क्यू प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे क्यू एब्सेंट होता है। क्यू मीन्स हिंट, तो एक्टिव अवॉइडेंस में आप समझदारी से उस चीज को करके इग्नोर करके भागते हैं, मतलब उस सिचुएशन से फेस करते हो और अवॉइड करने की कोशिश करते हो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को। यानी अगर आप एक्टिव अवॉइडेंस की बात करें, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और क्यू आपका जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट वन इज पनिशमेंट, विच इज अगेन नेगेटिव विद क्यू इज एब्सेंट, क्लियर। सो इट्स यस, इट्स नेगेटिव और क्यू आपका एब्सेंट होता है, तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज कौन सा कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स बिल्कुल करेक्ट है। अगेन दिस इज दो बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। सो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपसे करेक्ट कीवर्ड्स पूछे गए हैं जो कि काफी सिंपल है। अगर आपको ब्यूरोक्रेटिक वर्ड का अर्थ समझ आ चुका है, मीनिंग क्लियर है, सो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम या नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक मीन्स हायरार्की, हायरार्की में आप काम को डिवाइड कर देते हो, ठीक है। सो देयर इज डिविजन ऑफ लेबर, अपने काम के हिसाब से आपको अपनी स्किल्स के हिसाब से काम दिया जाता है, हायरार्की होता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, हर इंसान अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड दे आर स्टैंडर्ड ऑपरेशन फीचर्स, यानी सबके रूल्स फिक्स्ड है, रूल्स एंड कायदे कानून फिक्स्ड है। वाई यूजिंग रेटिंग स्केल एज अ टूल विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, यानी जब भी आप अनुष्ठान उपक्रम का यूज करते हो तो आपको किससे बचा जाना चाहिए।
मेक श्योर आप यूट्यूब पे जो भी 6 PM की क्लास हो उसको कभी मिस ना करें, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. 90 डेज में विल मेक श्योर आपका GRF क्रैक हो जाए. एंड सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फटाफट साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए. सभी लोग लाइक का बटन जरूर दबाना. देखो जब भी आप रेटिंग स्केल को यूज करोगे क्लैरिटी होना चाहिए. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स एक चीज हो रहा है तो दूसरा नहीं हो सकता. यस करो तो नो नहीं कर सकते. क्राइटेरिया डिफाइंड होने चाहिए. लेकिन सतर्क किसको रहना चाहिए, किस चीज से आपको सतर्क रहना चाहिए? सतर्क आपको रहना चाहिए हेलो इफेक्ट से. क्या होता है हेलो इफेक्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलो इफेक्ट इन रिसर्च? हेलो इफेक्ट का मतलब होता है जहां पर आप किसी भी चीज के लिए अपना एक नजरिया सेट कर लेते हो. सो किसी भी कंपनी, किसी भी इंसान के प्रति आपका एक पॉजिटिव नजरिया. जैसे हम फॉरन सुनते बोलते हैं बहुत अच्छी लाइफ होगी, यानी हमारा पहले से ही एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन फिक्स्ड है, ठीक है, जो कि कुछ हद तक पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ हद तक नेगेटिव भी हो सकता है. लेकिन हेलो इफेक्ट में इट इज जनरली द पॉजिटिव इम्प्रेशंस यू हैव. क्लियर? सो बेसिकली जहां पे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, बायस्ड हो जाएंगे. तो ऐसे बायस्ड रिजल्ट हमको बचना है. एक स्टडी की जा रही है, इफेक्ट स्टडी किया जा रहा है 4 different methods का, फीडबैक लेने के 4 different methods का ऑन द एलिमेंट्री स्कूल लेवल ऑन देयर स्पेलिंग एबिलिटी. यानी वी आर चेकिंग द फीडबैक ऑन 4 different methods. मेथड्स किस चीज से रिलेटेड है? स्पेलिंग्स पढ़ाई जा रही है बच्चों को. तो 4 different methods का इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है, इम्पैक्ट देखा जा रहा है स्पेलिंग एबिलिटी पर. इसके लिए आपको कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल बेस्ट लगता है? बहुत बढ़िया. तो जहां पर आपके पास 2 से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, या तो आपके पास 4 हैं अलग अलग मेथड्स, तो आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं अनोवा गिवन बाय फिशर. सो अनोवा इज द करेक्ट आंसर. गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, बेगर, थीफ कुछ भी बना लूंगा. ये किसने दिया? इट्स अ वेरी फेमस कोट जो कि मेरे टाइम पे नेट के एग्जाम में भी आ चुकी है. Great. So the correct answer is it is said by G.B. Boston. In the long run, कौन सा leadership style आपका best रहेगा? Which leadership style with the best in the long run?
सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप विल बी द बेस्ट इन द लॉन्ग रन. तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज द करेक्ट आंसर. बच्चों में एटीट्यूडनल चेंज लाने के लिए आपको कौन सी गाइडेंस टेक्निक को यूज करना चाहिए? दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेक श्योर आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें. अगर आपके किसी फ्रेंड ने आज का सेशन मिस किया उसके साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, बिकॉज ऑल द 30 क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 30 क्वेश्चन हर बच्चे के टिप्स पे होनी चाहिए. बच्चे के स्वभाव व्यवहार में अभिवृत्ति में आप परख में चेंज ला रहे हो. अभिवृत्ति में यानी उसकी सोच एटीट्यूड, मतलब आपका क्या नजरिया है. तो ऑब्वियसली आपको स्टूडेंट्स लिखा है और गाइडेंस टेक्निक लिखी है. तो सब स्टूडेंट्स को आप एक साथ एड्रेस कर लो, विच इज योर ग्रुप गाइडेंस. क्लियर? अगर यहाँ पे हर बच्चे को आप अलग अलग दोगे वो पॉसिबल नहीं है ना. यानी कि टू ब्रिंग आउट एटीट्यूडनल चेंजेस इन स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी प्लूरल लेके चल रहे हैं. सो दैट इज ग्रुप गाइडेंस. अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क यह है कि आपको कॉमेंट सेक्शन में एक तो अपना स्कोर बताना है, ठीक है, और आपको ये बताना है कि गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है. एंड कल के सेशन में सिर्फ 4 बच्चों ने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दिया था. दैट इज वेरी रॉन्ग. जिसमें से एक पार्थ है, एक चेतना है, एक दीप सुधा है, ठीक है. बाकी स्टूडेंट्स के आपको सब कुछ आता है क्या बेटा, जो आप होमवर्क का आंसर नहीं दे रहे हो? सो इट्स ओनली एंड ओनली दीप सुधा, पार्थ, जीत, चेतना, 4 स्टूडेंट्स हो गए. देन अनुसार्थ जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है. इसके अलावा लक्ष्मी और नीतो का कमेंट है. तो बाकी स्टूडेंट्स होमवर्क का आंसर क्यों नहीं दे रहे? आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू टू टेल मी योर स्कोर एंड गाइडेंस इन काउंसलिंग का डिफरेंस. और आज आपकी 7:30 PM जो क्लास होती है ऐप पर वो नहीं होगी. सो टूडे यू हैव नो क्लास ऑन दी ऐप एट 7:30 PM. आज आपकी क्लास नहीं है. So see you all tomorrow on YouTube at 6 PM जहाँ हम लेके आने वाले बेहद इंपॉर्टेंट सेशन. और उस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप ये जानोगे कि PhD का जो आप रिसर्च पेपर लिखते हो या रिसर्च प्रपोजल बनाते हो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं. तो जानेंगे कल हम रिसर्च प्रपोजल के बारे में. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड इवनिंग. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.